नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज थैंक्सगिविंग ब्रेक है यहाँ पे, आज अमेरिका छुट्टी पे है, जितने वर्कर लोग हैं सब छुट्टी पे हैं, आज घर पे छुट्टी एंजॉय करेंगे वो लोग। हम लोग सब पूरा फैमिली घर पे ही था तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क में लेके चल रही हूँ आप लोगों को। बीच फ्रंट पार्क है वो, बहुत ही सुना है मैंने, देखा नहीं है अभी तक, सुना है कि बहुत ही अच्छा पार्क है वो, तो वहीं पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम चल रही हूँ, आप लोगों के साथ चल रही हूँ। तो आज मैं बाहर से, आज मैं गाड़ी में से रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट किया है, आज मैं अपने ड्राइवर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो फिर चलो, हम मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हम लोग पार्क में आ गए हैं, अभी आप लोगों को मैं जब उतरूंगी ना तब पार्क घुमाऊंगी एकदम अच्छे से। अभी तो सारे सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ समंदर आ गया आज हम लोग, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे समंदर के किनारे, काफ़ी बड़े 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 पैसे वालों का घर है उधर। और इधर सब लोग चेयर लगा लगा के एंजॉय कर रहे हैं समंदर के किनारे। स्पीड लिमिट, अच्छा मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, आप आराम से धूप में वॉक कर सकते हो क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा है। तो लोग फिशिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिज के ऊपर, कितना सुंदर नज़ारा है, पर पानी में नहीं जा सकते हम बिल्कुल, पानी क्योंकि बहुत ठंडा है इसलिए हम नहीं जा सकते हैं पानी में। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी है, हाँ, कोई बदमाशी नहीं कर सकता बिल्कुल। हम लोग वो जो सारे पेड़ दिख रहे हैं ना, छोटा सा आइलैंड जैसा है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं और पार्क में, एकदम छोटू सा है, लेकिन जो स्विमिंग करने वाले हैं यहाँ पे, जो गोरे लोग हैं, इन लोगों को जल्दी ठंडी भी नहीं लगती है, ठंडी में ही पानी में उतरे हैं कुछ लोग। यहाँ पे बोट जैसा ही, जैसे आप बोट हायर करके आप पानी में घूम सकते हैं, वैसे ये पैडलिंग करने के लिए साइकिल जैसे है, जैसे रिक्शा नहीं होता है वैसा है इसको भी। आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोट हैं और यहाँ पर सब लोग पानी में रेंट पर ले कर कैनोइंग कर रहे हैं। बीच उस साइड में है ये, तो वहाँ पे रोड भी है। हाँ, हम लोग वहीं से आए हैं, ये जो रोड दिख रहा है ना, हम लोग वहीं से आए हैं एकदम पानी के अंदर से होते हुए। यहाँ पे साइकिल है, इसको रेंट पे लेके हम चला सकते हैं कुछ इस टाइप का, काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक ये तो, इस तरह का। चलो अब हम लोग बीच पे चलते हैं। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एक छोटा सा घर जैसा, यहाँ पे लाइफगार्ड रहते हैं हर बीच पे, ये छोटा सा ऐसे घर जैसा बनाए रहता है यहाँ पे, जहाँ पे लाइफगार्ड जो वेल ट्रेंड रहते हैं, जैसे समंदर में कोई भी डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए ये लोग यहाँ पे बैठाए रहते हैं, ये लोग उन लोगों को पटक करते हैं, अंदर से बचा के लेके आते हैं, कोई जल्दी डूबने नहीं पाता है। तो हम पब्लिक लोगों के लिए, इसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे लाइफगार्ड हर बीच पे रहते हैं वेल ट्रेंड। तो अभी इस पे लिखा है नो लाइफगार्ड ऑन ड्यूटी, तो दैट मीन्स लाइफगार्ड आज ड्यूटी पे नहीं, क्योंकि थैंक्सगिविंग ब्रेक है तो उन लोगों का भी ब्रेक है, तो आज कोई बचाने वाला नहीं है, सब लोग अपने ही रिस्क पे यहाँ घूमेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हर जगह आपको जैसे टॉयलेट वगैरह जाना हुआ,
कहीं पे बीच में पार्क में कहीं भी जाते हैं तो आपको यहाँ पे टॉयलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर जगह व्यवस्था रहती है पानी पीने की और टॉयलेट जाने की। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पे कितने तादाद में सीगल दिख रहे हैं, सीगल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन दिख रहा है, एकदम क्लीन है वाटर। ठंडी है, हम लोग नहीं जा रहे हैं पानी में, लेकिन कुछ लोग नहा रहे हैं यहाँ पे पानी में। बस हम लोगों को देखना था, हम लोग कभी समर में आएंगे तो यहाँ बीच पे एकदम इंजॉय करेंगे। आज छुट्टी है तो भी काफ़ी लोग आए हैं बीच पे। चलो वहाँ पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू, यहाँ से वो उस साइड भी चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं। चल थोड़ा हमारे साथ वॉक कर लो। हम यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, अभी यहीं पे बैठेंगे। बहुत एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। स्वेटर लाई हूँ पर मेरे साथ में नहीं है, ट्रंक में रखा है। तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग यहाँ पे, आ जाओ। पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को, लहर अच्छा लग रहा है। कभी कभी मन अशांत हो ना तो ऐसे समंदर के किनारे आके बैठ जाओ ना थोड़ी देर, काफ़ी रिलीफ मिल जाता है ब्रेन को। ये भी बहुत अच्छा दवाई है दिमाग के लिए। काफ़ी अच्छे नज़ारे एकदम दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा यहाँ पे स्मेल भी नहीं आ रहा है बिल्कुल पानी का, जैसे बीच पे वैसे आता है ना एकदम स्मेल, फिश एकदम सी फूड जैसा ना, वैसा बिल्कुल भी स्मेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ड्रोन से किसी ने रिकॉर्डिंग चालू की है, कोई ड्रोन से रिकॉर्ड कर रहा है। ऊपर बर्ड जैसा दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, वो ड्रोन है। हो गया हम लोगों का, अब चलो दूसरे साइड चलते हैं। हमें ये देखना है कि कितना बड़ा बीच है ये, तो हम एक कोने आ गए हैं, दूसरे कोने हमें जाना है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे फुलवाड़ियाँ भी दिख जा रही हैं, जंगली घास का फूल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, येलो कलर, ये सनफ्लावर जैसा लग रहा है। उस साइड आप लोगों को पत्थर दिखा होगा ना बैठने के लिए, दूसरे साइड आई हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्रेनाइट्स रखे गए हैं, एकदम बड़े, काफ़ी दूर तक इतने बड़े बड़े पीसेस में ग्रेनाइट रखे गए हैं हम लोगों को बैठने के लिए। तो इस साइड अब पैसे वालों का घर है, तो मे भी शायद इसीलिए इस साइड ग्रेनाइट रखा गया है, वो लोग आके यहाँ ग्रेनाइट पे बैठते होंगे। तो उस साइड आप लोग देख सकते हैं एकदम बड़े बड़े घर हैं, तो सारे बिजनेसमैन या भाई जिसके पास बहुत पैसा है उन लोगों का घर है वो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना क्लीन वाटर है, एकदम जैसे हम लोग पानी पीते नहीं हैं उस तरह का एकदम क्लीन है। ऐसा पानी आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, इंडिया में तो हमने कभी देखा भी नहीं है इस तरह का क्लीन वाटर पानी। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं वॉक करने, पानी देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पानी के किनारे वॉक करना है। चलो यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा है बीच पे, पर अफसोस कि ठंडी है, हम पानी में जा नहीं सकते, यही एक प्रॉब्लम लग रही है। अदरवाइज़ ये अमेजिंग है यार ये बीच।
सीरियसली, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो पानी ड्रॉप गिर रहा होगा, आप बीच से निकलो, आप जाने लगो अपने कार में, आप यहाँ पे पैर अपना वॉश कर सकते हो और शावर ले सकते हो। तो इस तरह का बना रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जितना देखा होगा, कहीं पे भी आपको गंदगी नहीं दिखी होगी, कहीं पे भी नहीं। इस तरह के यहाँ पे ट्रैश कैन रखे रहते हैं कचरा डालने के लिए, डस्टबिन, तो इसमें सब लोग रिसाइकल और कचरा डालते हैं। तो इस तरह का यहाँ का ट्रैश कैन होता है। तो इसी तरह का ट्रैश कैन हम लोगों के घरों में भी होता है। तो आप कचरा इधर उधर कहीं भी नहीं फेंक सकते हो। सब लोग पीते खाते कहीं और, चाहे जहाँ पिए खाएं, पर कचरा डालने के लिए ट्रैश कैन के पास उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि इधर उधर नहीं फेंक सकते। फाइन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे थैंक्स गिविंग में लोग टर्की खाते हैं, जैसे चिकन होता है उसी टाइप का टर्की होता है, लेकिन साइज़ में कितना, डबल नहीं, ट्रिपल बड़े साइज़ में होता है। उसी का ये लोग डिनर करते हैं, पूरे फैमिली इकट्ठा होते हैं घर पे, एकदम गेट टुगेदर करते हैं, अच्छे से डिनर में टर्की एंजॉय करते हैं। तो शाम हो रही है, सबका अपना डिनर टाइम हो गया है टर्की खाने का। हम लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, तो हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ के लोग थैंक्सगिविंग में टर्की एंजॉय करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पार्क से घर। यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, सब लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, साइकिलिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। और अब हम लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं। ये है टारपन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है ना, जो धरती के अंदर से, ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है, नेचुरल पानी, वो ये है। फ्लोरिडा एक स्पंज की तरह है, यहाँ पे ऐसे नेचुरल वाटर बहुत ही बहुत होते हैं, या तो इतने बड़े घर में चार लोग होंगे या तो दो लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हम लोग एक ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, ये ड्रॉ ब्रिज है, ये ओपन होता है, खुलता है ये ब्रिज कुछ, ये देखो यहाँ से खुलता है। और यहाँ पे ऐसे जहाँ पे थोड़े ऐसे तालाब या पानी इस तरह के दिखते हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये ऑलमोस्ट यहाँ के हर घरों में बोट है अपना खुद का पर्सनल। ये मेंशन देखो, ये देखो, ये है स्प्रिंग वाटर। काफी बड़े, हरिकेन में इन सब चीजों को, बोट को ले लेके शेल्फ में रखना पड़ता है, शेल्फ स्टोरेज में। क्रिसमस का पूरा डेकोरेशन हुआ है, और यहाँ पे थोड़े बहुत लोग वॉक करते हुए दिखेंगे। ये देखो कितना सुंदर घर। के उपलक्ष्य में सारे स्टोर बंद है, बहुत ज़ोर से भूख और प्यास दोनों लगा है, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। लकली एक CVS फार्मेसी करके है, जहाँ पे दवाई हम लोग लेते हैं, वो खुला रहता है, 24 आवर खुला रहता है। तो वही एक रास्ते में मिला, हम लोगों ने थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह लिया, खाते हुए अब हम लोग घर निकल जाएंगे। और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।